नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड कैप एप्लीकेशन संबंधी ऑप्शन फॉर्म और कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके पहले आपको जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कैप राउंड 1 और 2 के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश हुई है। ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना एक मैंडेटरी है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए ELCT जिन्होंने दिया है उनके लिए स्पेशल इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए आपको स्पेशल ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते समय जो कॉलेजेस आपको लेना है वही कॉलेजेस के प्रेफरेंस फॉर्म आपको देने। एप्लीकेशन फॉर्म आप एडिट नहीं कर सकते और एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करने के लिए आपको एक उचित समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको वो जरूर आपने पढ़नी है। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं कि किस तरह से मतलब फॉर्म को फिलअप करना है। उसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि इस जगह पे राउंड 1 के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट ओपन की गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में है या नहीं ये आपको चेक करना है। और आपकी सभी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो उसमें आपका नाम होगा तो ही आप आगे जाके वो फॉर्म फिलअप कर सकते है। तो ये जरूर देखिए आप ये लिस्ट, ये महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए बच्चों के लिए है और ये जो है वो ELCT महाराष्ट्र स्टेट्स और ये सेम फाइनल मेरिट लिस्ट अदर देन महाराष्ट्र, तो इसमें आपका नाम है कि नहीं देखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको जिस कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा है उसमें सर्च कॉलेज करके आप सर्च कॉलेज में क्लिक करके अलग अलग यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ग्रांटेड कॉलेजेस है, नॉन ग्रांट कॉलेजेस कौन से, या आपके नज़दीक के कॉलेजेस कौन से, आपके एरिया के में कौन कौन से कॉलेजेस, इसके बारे में सभी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अभी सब हम लोग सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं कि किस तरह से ऑप्शन फॉर्म भरना है। जैसे कि आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका फॉर्म, जो भी आपका नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वहाँ आपको देना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड जो है वो बहुत ही ध्यान लगा के करना पड़ेगा। आपको पासवर्ड आपका याद रहना चाहिए और जो या आपने उसे सेव किया होगा उसको देख के आपको इस तरह से लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे आप ये लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक विंडोज ओपन हो जाएगी जिसमें आपका नाम होगा वेलकम। उसके बाद आपको सबसे पहले ये जानकारी ध्यान में रखनी है कि इस जगह पे 2 विंडोज है, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंफर्म हुआ है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वेरीफाइड हुआ है। जिनका ये दोनों कंफर्म और वेरीफाइड होगा वही लोग ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन फॉर्म जनरल और ऑप्शन फॉर्म ELCT। तो जिन लोगों ने सिर्फ जनरल ही CET दी है उन्होंने इस जगह पे जाके ऑप्शन फॉर्म जनरल में भरना है, और जिन्होंने ELCT दिया है उनके लिए ये फॉर्म है वो उन्हें सेपरेट भरना है। ये बात ध्यान में रखो कि 2 प्रकार। और इस जगह पे ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपने ELCT दिया होगा फिर भी आपको अगर सिर्फ जनरल में ही भरना है तो ही आप जनरल के कॉलेजेस ही आप देख सकते हैं। तो जनरल में देखो, ये ध्यान में रखना है कि जनरल में क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि जनरल में आते हैं, साथ ही साथ ELCT में जो आते हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही सिर्फ कॉलेजेस आते हैं। सो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे तो 2 प्रकार के ऑप्शन है, प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म जनरल और प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म ELCT। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जनरल फॉर्म में भरना है, तो हम लोग इस जगह पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी मेथड होगा, आपने जिस मेथड से काम किए है वो आपको भरना है। जैसे कि सोशल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपका सोशल साइंस होगा तो एक प्रेफरेंस देना है, अगर आपको ज्योग्राफी आपका सेकंड होगा या जो इकोनॉमिक सेकंड होगा तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म देके इसको थर्ड में ज्योग्राफी में दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि ये इलिजिबिलिटी मेथड है, जो कि आपने फॉर्म भरते समय भरी होगी वही मेथड आ जाती है। अगर आपको इस जगह पे जाके रिसेट प्रेफरेंस भी कर सकते हैं, और अगर आपको इकोनॉमिक को पहला देना है, सोशल साइंस को दूसरा देना है, ज्योग्राफी को तीसरा देना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ये आपकी जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है उसी के आधार पर ही ये मेथड के या सेट मेथड प्रेफरेंस होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसको प्रेफरेंस देते समय ध्यान से आपको
ये फॉर्म भरना है। बेस्ट ऑप्शंस आप सोशल साइंस इनका होगा तो सोशल साइंस में हमने एक नंबर पे दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वो पूछा जाएगा कि आप श्योर हो क्या, नहीं तो हमें क्या करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस तरह से एक विंडोज आपको दिखाई देगी। उसमें सबसे पहले तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करना है या कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना है, तो इस जगह पे जाएंगे तो महाराष्ट्र में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनके नाम यहाँ दिखाई देंगे। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के बारे में लेते। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां जाके हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना। तो इस जगह पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ढूंढना है, जैसे पुणे में ढूंढना है तो पुणे में, मुंबई में ढूंढना है तो मुंबई सिटी के कॉलेजेस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट स्टेटस की जगह पे हमें ऑप्शन दिया है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी, मैनेज एडेड कॉलेज या एडेड माइनॉरिटी कॉलेज या अन एडेड माइनॉरिटी, तो हमें यूनिवर्सिटी मैनेज एडेड कॉलेज को हमें सपोज प्रेफरेंस देना है। या इस जगह पे जाके आप गवर्नमेंट, अगर आपको कुछ भी नहीं और बहुत सारे ऑप्शन देखने हैं तो आप ऑल करके इस जगह पे जाके आप सर्च कर। तो इसमें मीडियम भी दिया है, आप कौन से, अभी जनरल के लिए अलग अलग मीडियम्स है जिसमें मराठी उर्दू हिंदी दिखाई देगा, क्योंकि ELCT इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ELCT ऑप्शन है। तो आपको जाके इस जगह पे आपके आपको सिर्फ ऑल लिखो, उसके बाद इस जगह पे जाके गर्ल्स कॉलेजेस में चाहिए या को एजुकेशन में, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस जगह पे कुछ भी न करते हुए सिर्फ मुंबई सिटी में कौन कौन से SNDT रिलेटेड कॉलेजेस है उसको मुझे सर्च कर। जैसे सर्च करोगे तो हमें हमारे सामने इस तरह से एक ऑप्शन आएगा जो कि PVDT कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। आपको अगर आप मुंबई सिटी के बाहर जैसे मुंबई सब अर्बन में क्लिक करोगे तो या जैसे दूसरा हम लोग पुणे में लेते हैं, पुणे के कॉलेजेस, तो आप इस जगह पे जाके पुणे के कॉलेजेस में इस तरह से एक पुणे के कॉलेज का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अगर आपको इस जगह पे जाके अनएडेड के बारे में अनएडेड कॉलेजेस को ढूंढना है तो आप इस जगह पे जाके ऑल में करना है और सर्च करके आपको SNDT के अनएडेड कॉलेजेस की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, उनको सिलेक्ट करना है और फिर उसको ऐड करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमें एडेड कॉलेजेस को ही लेना है, जिसकी क्योंकि जिसके कारण जिसकी फीस बहुत कम रहती है और जो कि मतलब हमारे लिए पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। तो जैसे मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने दो प्रकार के यूनिवर्सिटी मैनेज एडेड कॉलेज दिखाई देंगे। उसमें अगर मुझे मुंबई के कॉलेजेस को करना है तो मैं इस जगह पे क्लिक करके ऐड सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा। तो इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देते, उसको हमें सिलेक्ट करना है, ऐड सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है। तो ऐड सिलेक्ट सिलेक्ट ऑप्शंस एडेड सक्सेसफुली ओके करना है। आपको अगर बहुत सारे और ज्यादा कॉलेजेस को अगर आपको ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शंस बाय यू इस तरह से हमें दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हमें करने है तो इस जगह पे जाके मैं ऑल जगह पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे कॉलेजेस दिखाई देंगे जिसको हमें ऐड करना है, उसको हम लोग प्रेफरेंस देके उसमें ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि आप एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके सामने दिखाई देते हैं, उसमें से आप किसी को भी क्लिक करके इस जगह पे जाके ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस में जाके आप उन कॉलेजेस को इस लिस्ट में से शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें आपको बहुत सारे प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। फिलहाल मैंने एक ही ऑप्शन दिया है, हमें एक ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर क्या करना है, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं अलग अलग सिलेक्टेड कॉलेजेस करके। आप लोगों को क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जितने भी कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं उसकी डिटेल्स आपने देखनी है, कॉलेज कोड देखना है, कॉलेज नेम देखना है, यूनिवर्सिटी देखनी है, सिटी कौन सी है, कॉलेज ये जरूर देखना है कि डिस्ट्रिक्ट में कौन से आते हैं, गर्ल्स कॉलेज है, अनएड यूनिवर्सिटी मैनेज कॉलेज है और इनटेक जो है वो 100 है। तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस जगह पे जाके आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे आपने दो तीन कॉलेजेस किए होंगे तो आप पहला किसको प्रेफरेंस देना है उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से वन नाम का एक बटन मतलब नंबर दिखाई देगा, तो ये आपका पहला प्रेफरेंस होगा। ऐसे आप बहुत सारे 10 या 15 प्रेफरेंसेस आप कॉलेजेस के दे सकते हो जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए आपको अलॉटमेंट हो सकता है। ज्यादा ऑप्शंस रखेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। जैसे सेम मुंबई के भी कॉलेजेस आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है।
जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको क्या करना है, इस जगह पे जाके ये आई हैव रीड ऑल रूल्स आपको क्लिक करना पड़ेगा कि यस मैंने पूरी जानकारी देखी है। फिर हमें क्या करना है, कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो लास्ट में आपको पूछा जाएगा कि आर यू आप श्योर हो क्या कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए, तो मैं यहाँ जाके कंफर्म कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो जनरल का जो प्रिंट ऑप्शन फॉर्म है वो हो गया है। अभी हमें ELCT के बारे में, जिन्होंने ELCT किया है और ELCT दी है उनके लिए किस तरह से, तो इस जगह पे तुरंत ही हमें अप्लाई इंग्लिश मीडियम कॉलेज जैसा ऐसे बोला जाता है। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपका सेम प्रेफरेंस आएगा, सेव नेक्स्ट हमें करना है। सेम फील स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है कि इस जगह पे जाके प्रिंट ऑप्शन फॉर्म में जाके आपको ये करनी है। जैसे कि आप SNDT के अलावा अगर यूनिवर्सिटी मुंबई के अगर कॉलेजेस मुंबई सिटी के कॉलेजेस को अगर आपको ऐड करना है और इस जगह पे सर्च करके आपको बहुत सारे मुंबई के कॉलेजेस आपको दिखाई दे, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया, ऐड सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद ये ऐड हो जाएंगे। अभी मुझे आगे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पहला प्रेफरेंस मेरा सेंट जेवियर्स अगर या दूसरा जो कॉलेजेस का प्रेफरेंस है, और ये करके मैं फिर आगे जाके सेव एंड नेक्स्ट कर सकता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो भी मैंने कॉलेजेस किया इसको आई हैव रीड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन करके कंफर्म ऑप्शन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद इस जगह पे जाके हम लोग ने जो भी प्रिंट एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस दिए हैं उसकी सारी डिटेल्स हमें इस जगह पे दिखाई देती है। और फिर आपको क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन फॉर्म लेना है। तो इस तरह से आपको जिन्होंने ELCT दिया है उनको दो ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने हैं, या आपके ऊपर है कि आप एक ही करना चाहते हो। अगर आपको ELCT के लिए मतलब जनरल फॉर्म के साथ साथ ELCT के ऑप्शन भी आप भर सकते हैं, और ऐसे भरने के बाद आपको ये प्रिंट निकाल के रखनी है। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको किस तरह से कैप एप्लीकेशन में कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू।